तो गाइस आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, तो आप लोग कमेंट पे मुझे विश करके बताना। और गाइस आप लोग के प्यार और सपोर्ट के कारण गाइस आज मेरे 1K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस यहाँ ताई ने गाइस सुबह उसका नाश्ता बना दिया है। ताई क्या बनाया नाश्ते में? आलू की सब्जी और पराठे बने हैं गाइस। तो मैं गाइस मेरा नाश्ता हो चुका है और गाइस अभी मेरी नानी आई हुई है, क्योंकि मैं नानी के घर गई हुई थी तो मैं नानी को अपने साथ ही ले आई। नानी काफ़ी टाइम बाद मेरे वहाँ आई हुई है। गाइस ये मेरी नानी है। गाइस आपने मेरे एक व्लॉग में देखा होगा, नानी घर की मस्ती वाले व्लॉग में, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें देखा होगा आपने मेरी नानी को। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 बज ही गए हैं गाइस। तो अभी गाइस आज है डबल सेलिब्रेशन, पहला तो मेरा बर्थडे है, दूसरा आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं। ऐसे प्यार और सपोर्ट बरकरार रखिए हमारे ऊपर आप अपना। तो थोड़ी तो आप 12:14 और गाइस अभी मम्मी बनाए दिन के खाने बनाने की तैयारी कर रही है। और गाइस मेरे ताओ दिखाओ माल सब्जी लेने गए थे और गाइस कितना धनिया लाए हैं, इतना धनिया ये है, इतना ये है, मतलब इतना धनिया लेके आया हूँ। गाइस मिर्ची भी बहुत लेके आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ सस्ती मिर्ची। तो गाइस इतनी लेके आए ना, क्या बताऊँ मैं आपको, ये एक पूरी टोकरी गाइस देख सकते हो ऊपर तक भर गई है टोकरी, इतनी मिर्ची लेके आया गाइस था। और ये गाइस सीमी होती है सीमी, मम्मी गाइस इसकी खेती पहाड़ों में होती है, ये मैं अपने नानी के घर गई थी, मैं अपने नानी के घर गई थी तो ये वहाँ से लेके आई थी ये सीमी। और गाइस ताऊ भी लेके आए हैं सीमी की सब्जी, इसकी सब्जी गाइस बहुत अच्छी होती है। इसकी सब्जी पता है कैसे बनती है, वो मैं आपको बताऊंगी जब बनेगी, मुझे भी नहीं पता कैसे बनती है गाइस। तो ये सीमी मैं ऊपर आंटी को देने जा रही हूँ, क्योंकि हमारे बहुत है वो ज़्यादा, मतलब अगर सीमी ज़्यादा देर तक रखी जाती तो वो कटने में टाइट हो जाती है, कर्री हो जाती है, तो वो कटती नहीं है इसलिए। आंटी गाइस तो मैं आंटी के घर पहुंच चुकी हूँ। और गाइस ये हमारी छोटी बहन बनिया, आंटी कहो गाइस ये हमारा छोटा भाई है ऋत्विक, कितने महीने का आंटी है इसको, ये बोल रहा है गाइस मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वो आज भी 8 महीने का हुआ। और बोलो ऋत्विक, हेलो जेजे जेजे कर दो, देख लो गाइस छोटा बच्चा बोल रहा है मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को, तो प्लीज गाइस कर देना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, छोटे बच्चे की बात मान लेना। देखो और बोल रहा है, हे गाइस आज हमारे भैया गाड़ी पहली बार लेके मम्मी को और भाई को नानी को लेके घूमने गए हैं। आज इनने पहली बार रोड पे गाड़ी निकाली है। टुटुर मुटुर धर ले तू मक्खन का स्वेटर पहन ले, टुटुर मुटुर धर ले तू मक्खन का स्वेटर पहन ले, दिल वाली सैंडल मा तू कस के जाली ते, दिल वाली सैंडल मा तू कस। दीदी के बर्थडे के लिए मेहमानों को बुलाया था, ये रे भैया, हाँ ये रे ये मेहमान है, हाँ हाँ तुम मेहमान ही हो, ये मेहमान हम अगली बार से आएंगे ना मेहमान है। हाँ आना, घर के आदमी तो हो ही, ये है मेहमान, देखिए गाइस इन मेहमानों को पता है, देखिए ये है खीर, यहाँ खीर है, छोले, ये आलू, भुइयां, अच्छा भुइयां है, पहाड़ी में गुजिया ही कहते हैं, अरबी, ये है छोले, जल्दी चल मेरे पेट में सारे निकल आए, पहले छोले, ये क्या है आटा, ये है रायता। और अब हम जा रहे हैं कुत्ते को घुमाने, डॉगी को घुमाने, हम जा रहे हैं डॉगी को घुमाने। मेरे फेस से पहले एक पिंपल था, फिर दो हुआ, फिर देख कितने सारे हो गए, अच्छी बात, तो कवर करना पड़ेगा। ये गाइस हमारा डॉगी, ये बहुत गंदा हो चुका है, मैं डंडा ले लेती हूँ, अच्छी बात है यार। वो दीदी गाइस मैं आ गई हूँ, डंडा तो मिला नहीं गाइस, मैं अपने भाई का विकेट उठा कर ले आई,
क्रिकेट का एक डंडा, रुक जाओ दीदी थी नीचे कहाँ से रखूँ, ऐसे नीचे रखूँ या ऐसे ऐसे ले चल। लोग आ जा रहे हैं ऑफिस से। कौन लोग और कौन? अब गाइस डॉगी को घुमा लिया, सभी को हमने बॉक्सर को हमने घुमा लिया है। मिलते हैं आपको घर पहुंच। ए डबी का नाम कुछ ज्यादा याद आ रहा है इसकी। गाइस आप लोग सोचो कि डबी कौन है? हमारी पुरानी कुतिया, इसकी माँ, इसकी मम्मी। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूँ, डबी इसकी मम्मी है, क्योंकि मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर जो कॉलोनी के हैं उनको तो पता ही होगा डबी कौन है। अरे चलना तो गाइस हम मिलके आपको घर पहुँच चुके हैं। जो अपने भाई की हीरो है अंदर ही बांधना है ना अंकल की। हाँ अंदर बांधे, शायद अंदर मत बांध, अंदर मत बांध, ऊपर अंकल आंटी लोग जाएंगे तो परेशान करता है। भारी बांधो, देख चुका डंडे का काम कर चुका है ये विकेट, विकेट है की पैक, विकेट की डंडी, आधा अधूरा विकेट। चलो ठीक है अंदर चलते। सो गाइस यहाँ पे ताई बुआ सब गप्पे लड़ा ना भैया, लड़ाओ गप्पे लड़ाओ। तो क्यों गए? अब मिलते हैं आपको केक अगर आया तो आने के बाद। कपड़े ये है बर्थडे गर्ल और ये है बर्थडे गर्ल का केक, दिख तो रानी होगा। बैक कैमरा करके दिखाओ। और ये है था घर के मेहमान। सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है, सारे गेस्ट वगैरह आ चुके हैं। वो भैया फूफा जी को चाकू 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 बर्थडे पे है।
झूठा लगा दिया। झूठा हटा दो मुनू, जाओ वानिया को ले लो, आंटी को केक निकलो, दीदी को केक निकलो, केक निकलोगे सूरज, सूरज जल्दी आओ, ब्लॉग बन रहा है, फिर जल्दी आओ, लेट हो रहा है। ये फूफा जी की तरफ से पुरस्कार मिल रहा है, जितना जी जाजी घुमा घुमा के दिखा रहे हैं, अपने घर पे जाके ब्लॉग देखेंगे। अरे फोटो खिला, क्या हो गया, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। चलो और सूरज आओ, चल चलो, मैं ये कहां था लगाऊंगी, आंटी आ गई, मैं ले गई, अभी हम भी रह गए हैं। ये कौन सा चम्मच है, चम्मच है, झूठी है, नहीं चम्मच से खिलाना होता है, हाँ सिंपल, देख तू ना, क्रिस पहलो मेरी, बाकी तेरी किटकैट मेरी, अरे हाथ तक के देख रहे हो, अरे तुझे बस बस स्माइल स्माइल स्माइल, आंटी की तरफ से गिफ्ट तो केक कटिंग हो चुका है, अभी भैया लोग सब खाना खा रहे हैं। कई से मेरे भैया के दोस्त है लक्की भैया और पापा वगैरह सब खाना खा रहे हैं। लक्की भैया हाय बोलो, हाय लक्की, गाइस लक्की भैया गाइस सब खाना खा रहे हैं। मैंने गाइस कपड़े भी पूरे चेंज कर लिए क्योंकि मुझे ऐसे कपड़ों में अच्छा लगता है, ये कपड़े सबसे बढ़िया लगते हैं। और उधर गाइस ताऊ और फूफा जी भी खाना खा रहे हैं, इधर भैया और दूसरे वाले भैया भी खाना खा रहे हैं, और उधर हमारी छोटी बानिया भी खाना खा रही है, और यहाँ इंस्टाग्राम चलाया जा रहा है, ये लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म हो चुका है, सब हो चुका है सेलिब्रेशन वगैरह, अब बज रहे हैं रात के 11 और हम लोग जा रहे हैं सोने। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो हमारी वीडियो पर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट मुझे ढेर सारा हैप्पी बर्थडे विश करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।